आइए, जैसा कि फरमाइश थी रागनी है, तो रागनी के माध्यम से लिखा कवि ने कि आज का जो ये जमाना है, इस जमाने के अंदर घर हो या बाहर हो, तो सबसे ज्यादा जो चौधर होती है वो बीरबानी की होती है। कहीं भी जा लियो तो मैं सबसे ज्यादा बीरबानी की चलेगी। सुनेंगे रागनी के माध्यम से बीरबानी के बारे में क्या लिखा है। रे माँ का राजना बाप की चौधरे, लोगों प्यार रहना भाई का, रे हो संभाल लूंगी। क्या लिखा पहली बात में, हेरे मां का राजे बहु न ले लिया, बात है। एक बात और है,
आजकल भाई भाई में प्यार नहीं है। भाई भाई अगर एक प्लाट हो तो उसके ऊपर मरकट जा है, भाई यो सारा प्लाट मैं लेऊंगा, दूसरा जगह मैं लेऊंगा, क्या लिखा दूसरी गली के माध्यम से। भाई का भाई बैरी हो गया, भाई का भाई बैरी हो गया, नाड़ काट ले सुते की बहु जेठ ने न्यू कहते से, पाड़ू मूछ न पूते की मात पिता की कदर इसी जानो, टूक बगा दी कुत्ते की इसी पीर की फिर भी ये नोक चाट ले जूते की, इसे देर के मर्द फिर भी नोक चाट ले जूते की। एक आधी बीर मानी की अंदर रखो तो सर, हमारी आंटी जी बैठी अंदर, एक आधी बीर मानी की आदत होया करे अगर उसने नू बेरा लाग जा के घर में कोई रिश्तेदार आना है तो सांझ ने सिर न बांध लेगी, नए नए बहाने बनावेगी, मेरे सिर में दर्द है, मेरा बुखार है, अगले ने कह दिए तो अगले दिन आ जावा, आज ना मैं नुकेगी सांजे सर ने बांध के पड़ जा, सांजे सर ने बांध के पड़ जा, मेरे ओटा दा अपने भाई का माता रा ना बाप की जो घर प्यार रहा ना भाई का ओले पर पिता का कया काम ना लायक औलाद करे को बहुवर छोरा कदे भूल के चरना शीश धरे को बहुवर छोरा कदे भूल के चरना शीश धरे को हेरे घर का मंदिर छोड़ के पूजे सच्चाई और है, कहीं भी देख लियो एक आधा छोरा ऐसा पाओगा जिसके घर में खाने दाने ना हो, परे एक 20-30 रुपए का पौवा लगा के फिर उसके जैसा सेठ कोई नहीं है, फिर तो तुम उस पर किसी कवा लियो चाहे किसी मत कवाइयो। आइए ऐसे ऐसे के बारे में क्या लिखा कहीं ने, Thank you.
सरदार सिंह तू